हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट डे इसका मोमेंटम क्या हो सकता है, मंडे को इसका किस तरीके से लेवल रह सकता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरा है, हम लोगों को दिख रहा है साफ साफ 760 से 700 के आसपास आके ये रुका है। 700 के आसपास आके इसलिए रुका है क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था और ब्रेकआउट लेवल के पास जब भी कोई भी शेयर फर्स्ट टाइम नीचे की ओर आता है या फर्स्ट टाइम ऊपर की ओर जाके हिट करता है तो उससे रेजिस्टेंस लेता है, फर्स्ट टाइम नीचे की ओर आता है तो वहाँ से सपोर्ट लेता है, इसीलिए यहाँ पे ये रुकता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करके पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे पूरे ओवरव्यू पे। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सेलिंग स्टार्ट हो गई है 765-68 के आसपास से, वहाँ से ये प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल जो है 740 का मल्टीपल टाइम टेस्टेड था, इसीलिए यहाँ पे इसका जब जैसे ही ब्रेकडाउन इस बार हुआ है तेज़ी से नीचे की ओर गया है और नीचे की ओर जाके जो नेक्स्ट हमारा ब्रेकआउट लेवल है ठीक है 700 का, उसके आसपास आके ये सपोर्ट ले रहा है। फिलहाल अगर यहाँ पे ये कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है मंडे के सेशन में, जो कि ये कैंडल का जो हाई है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये है अराउंड 712.3। तो 713 का अगर लेवल यहाँ पे मंडे को ब्रेकआउट होता है तो ये और ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जाएगा अगर उसकी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इन लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा, 730 के लेवल्स को। तो 713 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है मंडे के सेशन में, हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर की वो खींचे और 720 के आसपास फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद, रेजिस्टेंस लेने के बाद इन्हीं इसी के अंदर कहीं पे क्लोजिंग दे दे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा फॉल हो चुका है। तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन जाए एक दो दिन, अगर उसके बाद अगर यहाँ पे फॉल होता है तो नेक्स्ट फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आके इन लेवल्स के आसपास रुका है ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जिसको अगर यहाँ पे अगर नीचे की ओर गिरता है तो इसी की जगह इन्हीं का लो लगा के ये ऊपर की ओर 700 के आसपास क्लोजिंग हम लोगों को दे सकता है। इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 660 का है, और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो बात मानिए ये रैली हुई, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसने लूज कर दिया मोमेंटम। उसके बाद फिर से अगर नीचे आएगा तो ये इन्हीं लेवल से जहाँ पे बाइंग इसकी हैपनिंग हुई थी 620 से लेके 640, तो इन लेवल के आसपास फिर आके हॉवर करने लगेगा नीचे, ये भी इंतज़ार करेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका होगा। बायर सेलर्स को का कहीं पे कंफर्मेशन नहीं होगा, बायर्स ने पैसा बनाया सेलर्स ने पैसा बनाया ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, और जब भी टाइम स्पेंड होता है तो कुछ इस टाइप का मोमेंटम बनता है ठीक है। ध्यान से देखिए इस टाइप का कुछ मोमेंटम बनता है, या तो डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा या यहाँ पे कुछ एक तरीके का एक चैनल पैटर्न बन जाएगा या यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा। इन तीन चीज़ों में से कोई भी लेवल, इस लेवल के आसपास कोई भी चीज़ होता है ब्रेकआउट होता है तो हम फिर से इसमें बाई करेंगे और फिर से इसको ऊपर के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे सिचुएशन है अगर चार्ट जूम आउट कर दूं मैं तो हम लोगों को नज़र आ रहा होगा एक कोन के शेप में है ठीक है, इस तरीके से एक्सपांडिंग कोन है ठीक है, इसके शेप में ये ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है इस बार नीचे गिरे ठीक है, अगर मान लेते हैं मार्केट में सेलिंग आ गया तो तेज़ी से नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरते गिरते कहाँ पर जाके रुकेगा, तो ये चीज़ हम लोग को पहले से देखिए, हम लोग 100% राइट नहीं हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट हमें अंदाज़ा रहेगा ये इन पॉइंट्स के आसपास आके सपोर्ट लेगा। तो ये आएगा 575 के पास, नीचे जाके पीछे की ओर चेक करेंगे तो पीछे की ओर इस लेवल के आसपास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ पीछे के आसपास अगर हम लोग इन लेवल्स के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है ठीक है, और ये सपोर्ट होगा हो सकता है इसके पहले, अभी हम लोग देख लेंगे जाके चार्ट मूव करके, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है इसीलिए सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना है। तो इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे क्या सपोर्ट ले सकता है, हाँ यहाँ पे दो कन्फर्मेशन है, प्लस वन ये सेकेंड ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ठीक है, थर्डली बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दो तीन कंफर्मेशन है हमारे पास यहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पे कोई हैमर टाइप कैंडल बन जाए या फिर कोई रेड कैंडल है उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल बन के उसका ब्रेकआउट हो जाए, तो अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है इसीलिए आपको जो भी बुलिश फॉर्मेशन है जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ठीक है, तो उन्हें जाके एक बार आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे जैसे ही ये इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन होगा हम लोगों को सिर्फ इतना स्टॉप लॉस लगेगा, देख रहे हैं सिर्फ हम लोगों को इतना एसएल लगेगा, बाकी हमारे सामने इसके सामने प्रॉफिट कितना है बॉस, प्रॉफिट ऊपर तक का है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है अगर आप देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये अगर जा रहा है इस तरीके से ऊपर गया नीचे आया फिर से ऊपर जाके नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा चांसेस है ये ऊपर जाएगा ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन है ठीक है, तो अगर यहाँ पे ठीक है क्वांटिटी लीजिएगा तो कम क्वांटिटी लीजिएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से आया होता कि ये फर्स्ट टाइम गया सेकंड टाइम थर्ड टाइम से नीचे आ रहा है तो मतलब इसको फर्स्ट टाइम मान लेते हैं इसको सेकंड टाइम मान लेते हैं, ये थर्ड टाइम आया तो यहाँ बाई कर सकते हैं, फोर्थ टाइम आया तो बाई कर सकते हैं कम क्वांटिटी, क्योंकि जितना बार ये इसके ऊपर हिट कर रहा है ये वीक होता जा रहा है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की ओर और भी आ सकता है, इसीलिए इस लेवल पे क्वांटिटी कम रखिए
और इस क्वांटिटी को बढ़ाना कब है, तो बढ़ाना तब है जब यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म हो जाए। ठीक है, एक दो कैंडल के बीच में आपने यहाँ पे कुछ शेयर ले लिए, मान लेते हैं 100 में आप जनरली ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे 20% क्वांटिटी में बाई कर लिए। ठीक है, बाकी जब यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा होगा उस समय बाकी 70% और बाई कर लीजिए, 10% को रहने दीजिए, एसएल आपका यहाँ रहेगा, इस एसएल को पूरे को यहाँ पे ट्रेल कर लीजिए, लास्ट स्विंग के नीचे ट्रेल कर लीजिए, बाद में ऊपर जाता है तो प्रॉफिट का मजा लीजिए, या फिर स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मार्केट को पैसे दे दीजिए। तो ये दो चीज़ में से एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर रिस्क लेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा ये ऊपर गया, और ऊपर गया तो हमने पैसे बनाए कि नहीं, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करता है। इसीलिए अगर आपको जहाँ पे डाउट हो, ज़्यादा डाउट हो, वहाँ पे अगर 1,000 जनरली रिस्क पे लगाते हैं तो कम से कम 100 रुपया वहाँ पे रिस्क पे लगा सकते हैं, और इसको अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो पता चला 10 पार्ट्स में जहाँ पे आपको 10 शेयर्स में डाउट था वहाँ पे पैसे लगाया, उसमें से 6 शेयर काम कर गए, तो आपने एट लास्ट कुछ ना कुछ पैसे ही बनाए ही हैं, गए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे करना चाहिए अपनी प्लानिंग। तो यहाँ पे देखेंगे फिलहाल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो जर्नी है इसका 50% कितना है वो हम पहले पता कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने फिबो ले लिया, अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसका 50% कहाँ पे है, तो जी हाँ 50% को इसने क्रॉस कर दिया, राइट। यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 50% को क्रॉस कर दिया, अगर ये 70% के आसपास आता है, 78% के आसपास, वही मैं बता रहा था, तब आपको यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है ये नीचे आ जाएगा 600 के आसपास। तो इस पॉइंट पर अगर आता है तो कोई भी यहाँ पे जल्दबाजी मत करिए, यहाँ पे जब तक डब्ल्यू टाइप पैटर्न ना बने या फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा तो बात अलग है, लेकिन इन पॉइंट्स पर अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है तो बहुत ही कम क्वान्टिटी में बाई करिएगा, क्योंकि ये फिर लेवल्स यहाँ पे रिटेस्ट हो सकते हैं, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो सकता है है, राइट। तो ये यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को देख लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है। पूरे वीक की हमने बात कर ली है, एक चीज आप पॉइंट करके नोट करके रखिएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी 50% के आसपास की गिरावट हुई है। देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो बड़ा चैनल था, यहाँ पे छोटा चैनल हम लोग को मिल गया, अगर यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो जी हम लोग यहाँ से लेके इतना हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब ये जो हाई लगाया है इसके आसपास का प्लानिंग कर सकते हैं, 1:1 टारगेट। तो इन लेवल्स के आसपास आप बाई करेंगे तो पहला टारगेट तो हम लोग को 780 के आसपास का होगा, उसके बाद ये जो यहाँ से गिरावट हुई है 800 के आसपास होगा। तो अगर यहाँ पे, ठीक है फिर से इसको मैं डिलीट करके क्लीन कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखेंगे हमारा ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ हो गया और ये वाला ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ हो गया, राइट। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है तो आपको मैंने बताया, अगर बाउंस बैक मिलेगा तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है तो फिर से नीचे आ जाएगा, रिजेक्शन नहीं होता है तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो भी लास्ट स्विंग बना के ये ब्रेकआउट देगा इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे स्विंग ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड क्या होता है, लास्ट स्विंग कैसा लगाया और ये जो भी अपना रिस्क है उसका 1:2, 1:3 के लिए हम लोग प्लान करते हैं, प्रॉफिट के लिए मिल गया तो हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाता है, ये हमारे लिए स्विंग ट्रेड है। अब स्विंग ट्रेड 1 डे के टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हो सकता है, तो जो आपको सूट करे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मंडे को अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है 720 के आसपास, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि इनसाइड कैंडल बना देगा, इसके बीच में ही कहीं पे ये पूरा का पूरा दिन स्पेंड कर देगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस अगर यहाँ पे ये 710 से लेके इसके बीच कहीं ओपनिंग होती है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा, तो जैसे ही ये यहाँ पे इन लेवल्स को टच करेगा 690, 685, तो ये फिर से ऊपर आने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं क्लोजिंग 700 के आसपास दे देगा, ठीक है। तो ये दो तीन केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ज़्यादा गैप अप हमने ऑलरेडी गैप अप का बात कर लिया, बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, तो इस तरीके की यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। अभी क्या करना है, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, और चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।